अभी आया हो ना, उस जगह ले से ज्यादा खतरनाक रोड थी और जंगल उड़ीसा उड़ीसा माइंड इटा रसकला कबाब खाना खाओ, ये ट्राई करना। ये खान साहब रोटी पका रहे हैं, पर खान साहब बॉडी बिल्डर है, पेशे से जिम बॉडी बिल्डर है और काम भी करता है। स्माइल देखिए भाई की। तो अवंती फाइनली खान मार्केट पहुंच चुकी है, बहुत ही लंबा सफ़र किया है। राम भाई वेलकम, हम यहाँ पर उनका वेलकम करेंगे। हमारा भाई ऑलमोस्ट पैन इंडिया चल के आ रहा है, सुपर कार के पूरे सुपर मज़े लेके एंड टेस्टेड टू द लिमिट। आप गाड़ी देख सकते हैं एक बार, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, मॉडिफाई कराई है। और ये सदाम जी फाइनली 2200 किलोमीटर की जर्नी करके पहुँचे हैं खान मार्केट, सुपर कार सुपरमैन सुपर खान मार्केट। भाई सब गाड़ी चला गया हूँ, भाई को आप हम री एनर्जाइज करेंगे, खिलाएंगे खान मोमो के, खान चाचा के मेरा दोस्त है। गाड़ी कैसी लगी अंकल? बिल्कुल बढ़िया। ये गाड़ी विशाखापट्टनम से आ रही है, ये सोलो चला के ला रहा है, तीन दिन से ज़्यादा चल रहा है, कुछ खाया नहीं है। नहीं सर, पाँच अब इसको खान चाचा ले जाते हैं। सर नॉनवेज खिलाएंगे पहले इसको ज़बरदस्त प्रोटीन खिलाएंगे, पंजाब में जाएंगे। ये सदाम भाई निकले हैं, यहाँ पे हमारे कुछ हाँ गाड़ी सेफ है, हमारे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं। मोहसिन भाई, मोहसिन भाई मांडे साहब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। हैव यू सीन अ सुपर कार? नहीं रास्ता अन्ना इंडिया। सदाम भाई की एनर्जी थोड़ी सी लो है, इसको फुल करेंगे, चलेंगे मीट खाने। आ जाओ रीफिल करेंगे आ जाओ। बाल अभी भी वैसे ही फॉर्म मेंटेन करते हुए। सदाम भाई अपने बाल दिखाएं, क्या सफ़र ने ख़राब तो नहीं किए? ओह बाल अभी भी बड़े, मुझे लगता है और भी बेटर हुए हैं। सदाम भाई आपके ड्रेड लॉक्स और भी अच्छे लग रहे हैं, शायद सफ़र ने इनको और भी रंगीन कर दिया। माइंड इटा। अब ये खाने की तलब बढ़ती जा रही है। ये एक तरह से मीटअप ही है, अंदर खींच रहे हैं यार, से मीटअप ही है। ये बांडे साहब है हमारे, उनसे यहाँ पे जॉब करते हैं। विंडा वाले बात करो ना, विंडा। तो आप देख सकते हैं ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, बट नेक्स्ट पार्ट जर्नी और भी अच्छा आने वाला है। आप नेक्स्ट पार्ट में ये जाने वाले हैं फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख, होपफुली तो 90% ऑफ द जर्नी इज ओवर, बट द रियल ब्यूटीफुल पार्ट स्टार्ट्स नाउ, इट इज टाइम टू फीड आवरसेल्व्स। गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, गाड़ी में बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन हुई है, वो हमें आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाड़ी इज फुली you know packed or fully loaded Madhya Pradesh. Now what he needs is a hair spa. Madhya Pradesh even not agree, but I think he needs a hair spa. बालों की बहुत हालत खराब है, जिसको मैं अच्छा बोल बोल के कुछ कर रहा हूँ। अभी इनका फोकस ये है कि हम क्या करेंगे। सदाम भाई आप नेक्स्ट लेग में आप कहाँ जाएंगे? श्रीनगर जाने वाले सर? कश्मीर। हाँ कश्मीर से लद्दाख, कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से फिर निकलेंगे चाइना का बॉर्डर। गाड़ी बहुत आपने मॉडिफाई कराई है, कि आप मेजर बता सकते हैं कहाँ पे क्या काम कराया है? सर पाजी के पास गाड़ी का एग्जॉस्ट चेंज किए, स्लाइसर स्लाइसर चेंज किए, और स्लाइसर चेंज करने के बाद कल इसका टायर चेंज होगा, और टायर चेंज करने के बाद फिर उसको वॉशिंग करके पूरा सर्विस होगा। सर्विस के बाद फिर हम दिल्ली में इतनी तूफानी गिरी करेंगे ना, इंडा माइंड इटा रसकला सुपर कार और भी सुपर होने वाली है माइंड यू गाइस। और मोहसिन भाई हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मोहसिन भाई भी कल ज्वाइन कर रहे हैं एज़ पर सदाम एज़ पर सुपर कार। सदाम भाई खान चाचा से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन? बड़ा नाम सुना है, काफ़ी अच्छा मीट देते हैं। बिल्लू को ये टक्कर दे पाएंगे? नहीं आज आपने बिल्लू वर्सेस खान चाचा करना है। शायद तेल बेचता है बिल्लू यार ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खान मार्केट का व्यू है, ये इंसान बस अभी पहुँचे। मान ले साहब अपने व्यूज देंगे, हमारा प्लान क्या था? मेरी वजह देखी लुंगी आपने? हाँ फोटो देखा, आज लुंगी पहनी थी हमने, ठीक है, और पूरा सिस्टम खाना था, साइबर लैब किया था हमने, आज बिजी था, मैं नहाए भी नहीं हूँ, लगी थोड़ी यार बोलिए बोलो। कल हमने यही तूफानी करना है, और परसों इंशाल्लाह मंडे को ट्यूजडे निकल जाएंगे। मैं तो कल जा रहा हूँ, पर होपफुली आपको जम्मू में ज्वाइन करूँगा। हाँ चलो डिसाइड करते हैं। करा दिए टिकट? करा दिया 10,000 की। तो सर टिकट रिफंड हो जाएगी ना? मैं चेक करूँगा। हाँ हो जाएगी रिफंड, सिर्फ 2,000 कटेंगे। सलाम भाई तो लद्दाख चले जाएगी ये गाड़ी? बड़ी लो है, मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है। अभी मैं जिस जगह से मैं अभी आया हूँ ना, उस जगह ले से ज़्यादा खतरनाक रोड थी और जंगल उड़ीसा माइंड इटा रसकला इंडे। Hi.
सुदाम भाई, उड़ीसा से आपका ट्रिप कैसा रहा? काफी लोगों को कंसर्न रहता है क्या ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना। बड़ा प्यार दिया उड़ीसा वालों ने, बहुत प्यार दिया। रोड के बारे में बताएं। रोड्स इन गाड़ी के लिए नहीं है, बट बंदा अल्टो वैगनर पे भरोसा कर सकता है। हाँ। अवंती पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों अवंती में ऐसा क्या हुआ भाई? अवंती में के मतलब देसी भाषा में ना जुगाड़। हाँ। जुगाड़ करके बनाई है ना। हाँ। अवंती की कंपनी थोड़ी है, पर आई एम श्योर जो आपने मॉडिफिकेशन कराई है अब ये सुपर कार को भी। हाँ, अब ये सुपर कार है, नो डाउट। अभी एब्सोल्यूट राइट, मतलब ये भी सुपर कार बन चुकी है मेरे लिए, बट मैं पहला बंदा हूँ जो उसके लिए दूसरे लेके आया हूँ, और मुझे लगता नहीं कोई अवंती लेके आया होगा। अभी तक जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या रहा आपके लिए? कुछ मेमोरीज जो अभी तक आपके माइंड में आ रही हैं? मेमोरीज कुछ ऐसा लग रहा है जब आप मिले यार तब खुशी होगी। चलो ये तो आपके जहन से, मैं ये बोल रहा हूँ 2000 किलोमीटर की जर्नी, 4 स्टेट्स, ट्राइबल एरिया, अकेले सोलो ड्राइव, सुपर कार, सारी डिफरेंट। एक जंगल था। हाँ, एक जंगल था, रात को सफ़र करना था जी। वहाँ की आर्मी पुलिस ने मना किया कि उस जंगल से मत जाओ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर डाके डकैती है। हाँ, नेक्स्ट फ्लाइट एरिया भी है। हाँ, और शायद आपने मुझे कॉल किया था। मैंने कॉल किया था, वो स्लाइटली वरी। हाँ, हमारे व्यूअर्स को सब समझ आ गया, पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉल आया था आपका भी? हाँ, मेरा भी कॉल आया, पर उसी कॉल की मैं रुक गया। आई थिंक खान चाचा पीछे आ गए बातों में। चलो गाइस, पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगी है, देखो इंसान 2000 किलोमीटर दूर से आया है और 2400 किलोमीटर से आया है, और खाने के लिए अब इसको वेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है सुपरमैन के लिए। सुदाम तो सुपरमैन यार, टेक अवे पे चलते हैं। हाँ, बेटर आइडिया। जो आकाश भाई हमें लाए थे खान मार्केट, कहते यहाँ पे कुछ खिलाऊंगा, बट आकाश भाई का अभी तक कहा नहीं वापस। आकाश भाई गिंडबा, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? खान मार्केट में खड़े हैं, एक घंटे से खान चाचा कुछ नहीं दे रहा। अब यही हो सकता है कि खान चाचा को खान मामा बनाना पड़ेगा। खान चाचा को मार चाहिए यार। सुदाम भाई, 2 घंटे 30 मिनट इसमें आपने कितने किलोमीटर चल देने थे? इसमें मैंने चल देने एक स्टेट तो क्रॉस कर देनी थी। आप देखते हैं क्या ये कबाब एक स्टेट की जर्नी का वर्थ है। अनरैपिंग हो रही है। खान चाचा का बहुत नाम सुना था, कहीं खान मामा ना हो जाए। ये क्या पहला बाइट, पहला नहीं वाला। दामा, हाउ इज इट? कैसा है, क्या हाल है मेरे भाई? कैसा है कुछ बताएं तो आप? अच्छा है, पर वेट कितना करना पड़ा? अन्ना रसगुल्ला कितना वेट करना पड़ा? अन्ना रसगुल्ला वेट करना पड़ा 50 मिनट 200 किलोमीटर है। सुपर कार, सुपर सदाम। राम भाई दूसरे भाई बाइट लेते हुए, शायद जो कोल्ड ड्रिंक पहले पी रही है उसकी कमी अब इनको महसूस हो रही होगी बहुत तेज़ी से। देखिए पानी में इलेक्ट्रोल डाला है। सफ़र में गाइस ये चीज़ है, पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, पता नहीं चलता इंसान को ट्रेन कर जाता है। क्यों सुदाम भाई, अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए भाई। वो तो मैं बोलता रहता हूँ कि सेहत और सफाई रखिए, ये हमारा देश है, हमारी जगह है। लेट अस मेक इट ब्यूटीफुल। सुदाम भाई साथ साथ फूड रिव्यूज़ भी दीजिए। आपने अब 4-5 स्टेट्स का खाना खा लिया पिछले 72 आवर्स में। इस खाने को थोड़ा सा रेट कीजिए, स्पाइस में, टेक्सचर में, कैसा है, कैसा खाना लगा आपको? और मीट ये काफ़ी स्पाइसी है, स्पाइसी ज़्यादा है। हाँ। मीट कैसा, सॉफ्ट है? मीट सॉफ्ट है। खाना वहाँ का अच्छा था, विशाखापट्टनम ने आपका दिल जीत लिया है। विशाखापट्टनम को दिल जीत लिया है। बिरयानी खाई वहाँ पे यार, कोई स्पाइसी कोई मसाला नहीं। विशाखापट्टनम में आपने कोई मेजर डिश जो आपने ट्राई की जो आप लोगों को बोलेंगे कि अगर उस साइड गया हो तो ज़रूर खाओ, कोई लोकल डिश? उनकी ना, पहले आप एक बाइट लीजिए फिर बात करते हैं, देखो खाना ज़रूरी है। हाँ बताइए, विशाखापट्टनम में कोई ऐसी डिश जो आपको बहुत दिल में पसंद आई हो? और नॉर्थ इंडियंस को ट्राई करनी चाहिए। सांभर, डोसा, इडली डोसा, सांभर, उपमा। कोई शॉप जो आपको याद रह गई हो, जो आपको लगा हाँ यार बड़ा फास्ट सर्विस है, बड़ा अच्छा और बड़ा अफोर्डेबल खाना है? बिरयानी, बिरयानी। फिश का कैसा रहा? फिश आप काफ़ी पसंद करते हैं, पर आप फिश की बड़ी कम बात कर रहे हैं। ये रोल टाइम से ख़त्म होता हुआ, रोल का सेकंड हाफ आता हुआ, क्या एक और रोल मंगाना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे नेक्स्ट टाइम? वही। चलो गाइज आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे कि दिल खुश कर देगा, तबीयत खुश कर देगा। ऑटो में बैठ चुके हैं अपने भाई दो, और तीसरा भाई ये रवि भाई अभी निकल रहे हैं निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन में क्या खाने मौसम भाई? भाई शुरुआत कर रहे हैं कबाब से। हाँ, फिर लाइन नहीं आ रही गाइज। सुपर कार से उठ के सुपर ऑटो रवि भैया के साथ निज़ामुद्दीन लाइन आ रही है। शाही पनीर खिलवा देना। ओ
और ये इन्होंने रेकमेंडेशन आ चुकी है, एकदम एक नंबर रेकमेंडेशन आ चुकी है। सलाम भाई को आज हम पूरा जायका खिलाएंगे दिल्ली का। हाँ बोलो। रवि भाई की रेकमेंडेशन आ चुकी है। रवि भाई क्या खाएंगे निजामुद्दीन में? शाही पनीर भैया, शाही पनीर खाएंगे, साथ में कबाब खाएंगे मलाई लगा के। सुपर कार से सुपर ऑटो का सफर सुपर सदाम का। गाइस ब्लॉग देखते जाइए, ऐसी जर्नी फिर नहीं मिलेगी। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं खान मार्केट से निजामुद्दीन। सदाम भाई आज दिल्ली का पूरा दिल्ली दर्शन करके जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत है तो अब हम आ गए ऑटो से। आपको ऑटो का ब्लॉग दिख जाएगा। ऑटो वालों ने हमसे 200 रुपये ले लिए, सुपर कार से ज़्यादा महंगा तेल भाई, उसने हमारी मार के पैसे लिए। हाँ उसको मैसे मार पड़ी। तो हमने जो मुक्का मारा था कहता चलेगा नहीं यहाँ पे। पंडित साहब आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या 200 रुपये ज़्यादा था? ज़्यादा था। देखो गाइस 200 रुपये में तो सुपर कार का तेल नहीं पड़ता, सुपर ऑटो वाकई सुपर ऑटो हो गया मेरे बोलने से। तो ये चल रही है हमारी निज़ामुद्दीन की मार्केट। यहाँ पे कोई स्पेशल कबाब मिलते हैं उसकी तलाश में हम निकल गए। सदाम भाई जी, पहले आए हैं आप यहाँ पे? आया हूँ भाई, पर जो आपका फील आ रही है, मज़ा है, वो ऐसे नहीं आया, अकेले नहीं आ रहा। देखो आज आके 2600 किलोमीटर के बाद हमें 11 नंबर की गाड़ी पकड़नी पड़ी, अपने पैरों पे आना पड़ा। तो गाइस स्टे हम्बल, स्टे सेफ, हैव फन। भाई मैंने 3 दिन से जिम नहीं किया था, पर ये वॉक शॉक मेरा हो गया, फिट हो गया हूँ। फिट हो गया, खाना साफ हो। सदाम भाई एक हेल्थ टिप हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई एक अच्छी हेल्थ टिप दे दीजिए। खाना टाइम से खाओ, खाना टाइम से खाओ, कुछ भी खाओ पर टाइम से खाओ। ये एक बहुत ही वैल्यूबल टिप है। फैट नहीं खाओ, गंद नहीं खाओ, टाइम से खाओ, दाल फुल्का खाओ घर का, पर टाइम से। साथ में हम आपको निज़ामुद्दीन टीम को पक्का कभी लेना, निज़ामुद्दीन का व्यू भी दिखाते हैं। गाइस ये है असली दिल्ली, असली पहचान, यहाँ मिलेगा ऑथेंटिक खाना। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रात कैसी निकलने वाली है। आज के हमारे जो टूर गाइड हैं वो हैं बांडे साहब। बांडे साहब, बांडे साहब, अब हम पहुंच गए बांडे। अब हम जा रहे हैं गालिब। हाँ गालिब कबाब कॉर्नर। गालिब कबाब कॉर्नर, बड़ा ही रोमांटिक सा नाम लग रहा है। ये हमारे सामने आ गया गालिब कबाब कॉर्नर। ये देखिए गाइस गालिब से पूछेंगे। हाँ अभी आप इनके गालिब कबाब के पास आ चुके हैं। गालिब कबाब छोटी सी दुकान है पर मशहूर है, यहाँ की मशहूर है गालिब कबाब। यस यस यस, यू कौन जा अन्ना रास्कला यार। अभी कबाब खाएंगे, बहुत तड़े कबाब आएगा और मज़ा आएगा खाने में और अच्छा लगेगा। और ये अपने दो भाई भी बैठ चुके हैं। ये लतीफ हनीफ कशिश जी, गालिब कबाब है। गालिब कबाब की दुकान पे आगे एक शेर है, शेर याद आएगा सर। हाँ बड़े क्या है वो शेर, तो याद है वो शेर ऐसा है, बड़े जालिम है तुम्हारे शहर के लोग, गालिब कत्ल करके कहते हैं जनाजा किसका है। तुम्हारी भी निकला स्कूल जी, तभी हम चीनेंगे ना। दीवाने का भाई ये किताब आए रात को, मैं पूरी पढ़ने वाला हूँ सारी किताब पढ़ के ना। हाँ शेर, आपको शेर शायरी सुनाऊंगा। सदाम भाई खोली थी, खोली थी दुकान कफड़ की, होनी चाहिए बस सारी रात शायरी होनी चाहिए भाई। खोली थी दुकान कफड़ की, लोगों ने मरना छोड़ दिया, वो भी इनका ही शायर। गालिब के कबाब आ चुके हैं, फर्स्ट बाइट जाने वाली है अंदर। सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, पावर के लिए चीज़ है। जायका कैसा है सदाम भाई? खतरनाक, खतरनाक जायका है। बांडे साहब लेके आए, बांडे साहब गुड रिव्यूज़ कमिंग योर वे। हाँ गालिब अभी जिंदा है हमारे दिलों में। रुमाली रोटी के साथ एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। मैं कुछ खाने का तरीका बता रहा हूँ, चटनी चटनी का बताया। हाँ खाने का तरीका, हाँ सुना मैं उसको, आपको खाने का तरीका बताऊँ खाना कैसे। पहले थोड़ा ठीक उसको यहाँ पे कवर किया, और ये हरी चटनी का अलग ही टेस्ट है, सारा टेस्ट चटनी। तीन बार डिप करना है, तीन बार डिप करना है गाइस, ये बड़ा ज़रूरी पार्ट था, वरना आपका आना वेस्ट हो जाएगा। भैया खतरनाक, एक और कर, ये देखिए डिमांड स्टार्ट होती जा रही है। एक कबाब और, कबाब एक और प्लेट, एक प्लेट कबाब। तो गाइस आपने नोट कर लिया, रुमाली रोटी कबाब है पर 3 बार डिप करने से ही गालिब का टेस्ट जो है बरकरार रहेगा। भाई कबाब तो हो गए, अगर आगे खीर, अब खीर खाएंगे, ठंडी खीर है ये, टेस्टी होगी, इसलिए अब खीर खाना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी मिर्ची लगी है और खीर खाएंगे। कबाब के बाद उससे भी स्पेशल आइटम ले लो, सदाम भाई की फेवरेट खीर। ये पहला नवाला के हाथ जिगर में ठंड पड़ी, मेरे जिगर के टुकड़े को ठंड पड़ गई है। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त सारी है ना, खटास खटास। अब दूसरा रिव्यू बांडे साहब का। बांडे साहब कैसी रही कि बेहतरीन, एक शेर हो जाए गालिब का, वो पढ़ के बताएंगे यार अभी। अच्छा इन्होंने किताब ली है, ये पढ़ के ही बात करते हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। सदाम भाई मीठी खीर पे एक शेर हो जाए यार, चाहे गालिब का हो चाहे आपका अपना हो।
शेर ये पढ़ने को पूरी तभी खा मीठा खाओ मीठा बोलो गालिब की किताब खोलो बहुत टेस्टी है जब भी यहाँ आओ ये जरूर ट्राई करना कबाब खाना खाओ ये ट्राई करना आप आती है भाई सर हमारे वाले साथ ये है और तो कितनी पुरानी है सर ये 65 ईयर्स है सर 66 साल पुरानी शॉप है भाई की और भाई लोग लोग क्या रिव्यू बोले सर ओके होटल वो भी मटन कबाब बेच सकता है बेच सकता है सदाम भाई आप अपना रिव्यू दो कैसा लगा आपको भाई भाई की शॉप है और रिव्यू मेरा यही है यार कोई कोई बात नहीं कर सकता इसके कोई कमेंट नहीं है भाई इतना सही चीज़ें हैं साफ बिल्कुल क्लीन चीज़ें और जो लास्ट में खीर खीर खिलाई ना और नींद ही आ गई खा के यार इतनी ठंडी खीर खिलाई भाई ने मज़ेदार चीज़ है भाई मज़ा आया आपकी शॉप पर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आएंगे आपसे मिलेंगे क्या नाम है रोटी का मुगलाई शीरमाल मुगलाई शीरमाल भाई यहाँ भी कुछ खाने की तैयारी में है सिर्फ ड्राई फ्रूट है सेहत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है भाई बॉडी बनी है इससे खूब खाएगा मौसी भाई बॉडी और ये अपना भाई सामने के भाई ये रोटी बना रहे भाई तंदूर भाई ने सलाम अलैकुम भाई आपका नाम क्या है नाम नईम है सर नईम खान खान साहब ये खान साहब रोटी पका रहे पर खान साहब बॉडी बिल्डर है पेशे से जिम बॉडी बिल्डर है और काम भी करता है स्माइल देखिए भाई की कातिल खतरनाक अपने भाई अभी चले गए हमें ड्रॉप करके गाड़ी निकाल लेंगे मैं और आकाश भाई और हम जाएंगे अपने होटल और फ्रेश होके सलाम अलैकुम भाई अलहमदिल्ला तो अब जाते हैं होटल होटल जाके आपको बताएंगे और आपको बताएंगे अपनी गाड़ी हमने कहाँ पार्क की थी बड़ी मज़ेदार जगह थी और भाई बहुत थके हैं कंफर्टेबल बेड चाहिए